Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest today is someone very special, His Holiness Jayendra Saraswathi Swamigal, the Shankaracharya of Kanchi, who is single-handedly trying to resolve one problem that has bedeviled us for many, many years now. Swamiji, Namaskar and thank you very much for finding the time. Aapka bahut vyast samay hai. Aapne samay nikala humse baat karne ke liye aur is saptah mein aur is in dinon mein to aap bahut hi zyada is Ayodhya ke samasya ka hal dhoondne mein vyast hain. Aisi baat koi nahi hai. वो भी चलता है, अपना काम भी चलता है, पूजा भी चलता है, अनुष्ठान भी चलता है, भक्तों में बात भी चलता है, उससे कोई बड़ा फायदा नहीं, वो रूटीन चलता है. और उसमें अच्छी बात, आपका ये भी धन्यवाद करना है कि आपने जो इतना ये इतना पवित्र मंदिर है कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम में, उसमें हमसे बात करने के लिए आपने हमको इजाज़त दी. पुण्यवान है. स्वामी जी, आपने पहले भी दो बार प्रयास किया है अयोध्या की समस्या का हल निकालने का. आपको क्या लगता है कि तीसरी बार ये प्रयास सफल होगा? दो बार तो नहीं हुआ. मंदिर में ही बात कर रहे हैं आजकल, अभी देवी का सामने, वो सफल होने के लिए देवी का कृपा होना. लेकिन किंतु इसमें कुछ बात भी होगी कि आपको इस बार इतनी आशा है. मंदिर में तो आप रहते ही हैं और आप तो देवी देवताओं के साथ ही रहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं. होना चाहिए, 6 तारीख के मालूम होगा. क्यों होना चाहिए इस बार? क्या क्या डिफरेंस है, क्या फर्क? कोई डिफरेंस नहीं, ये पुराना बात ही वही. फिर थोड़ा विचार करके विशाल रूप में ब्रेन ब्रॉड रूप में बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. लेकिन स्वामी जी, ब्रेन ब्रॉड रूप में कैसे बने जबकि नहीं, छोटा भाव होता है, छोटा भाव से बड़ा भाव होने से ब्रेन का बड़ा होता है ना. लेकिन छोटा भाव विचार करना, छोटा भाव तो धर्मों में हो गया है क्योंकि खास करके हिंदू मुसलमान में अब इतनी दूरी हो गई है भारत में. और मुसलमान से भी बात करें तो वो कहता है कि मैं दिसंबर 6 कैसे भूल सकता हूँ. अब मान लीजिए मैं भी अगर मुसलमान होता तो मेरे अंदर डर भी होता, गुस्सा भी होता कि दिसंबर 6, 1992 को जो हुआ उसमें ना किसी को सज़ा मिली. ठीक है, एक बार हो चुका है, हमेशा वही याद नहीं रखना. हो गया, कुछ काल तक तकलीफ होगा. एक बेटा है घर में, मर गया है, हमेशा उनका याद रखना ठीक नहीं. एक्सीडेंट में मर गया, क्या करेंगे? कुछ काल तक होगा, फिर बात खत्म होना. हमेशा वही याद रखने से आगे क्या होगा, प्रगति कैसा हो सकता है? स्वामी जी, वो तो अब जैसे आप कहते हैं कि बेटा घर से चला गया या बेटे के घर में मौत हो गई, वो तो एक भगवान ने किया. भगवान से तो कोई पता नहीं लेता, कोई नहीं है, एक्सीडेंट से हुआ है. क्या नहीं, एक्सीडेंट से हुआ, लेकिन वो भी इसलिए भगवान की इच्छा थी. भगवान का इच्छा नहीं है, वो उनका विधि है, उनका कर्म है, वो. लेकिन अगर किसी के बेटे को किसी ने मार दिया हो और जिसने मार दिया हो तो वो घूम रहा हो तो वो कैसे भूल जाए? वो भी होगा. मार दिया होने भी कुछ काल तक रोएंगे, फिर क्या करेंगे? हमेशा रोकेंगे, उनसे क्या होगा? कुछ काल तक रोना पड़ेगा, भूल नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए दूसरा काम भी करना है ना, हमेशा यही याद नहीं रखना है ना. लेकिन जिसने मारा अगर वो घूम रहा हो तो बुरा लगता है? बुरा होने भी कब तक बुरा ऐसे रहेंगे? तो ऐसे होने से पुराना इतिहास देखने से हिंदू लोगों का भी बहुत याद होगा, तकलीफ होगा. तो हजारों मंदिर गिरा दिया इतिहास में, वो भी याद होगा, इन लोगों का रोएगा, सोचेगा. इसलिए वो याद नहीं रखना, दोनों याद नहीं रखना. तो आपका याद नहीं रखना, अभी भी नहीं रखना. आपका कहना है कि फिर दोनों पक्ष पुरानी बातें भूल जाएं. और ये जो नया होना है उसके आगे आगे प्रगति देखना, कुछ याद रखना लेकिन हमेशा वही याद नहीं रखना. लेकिन स्वामी जी, आपसे पहले जो शंकराचार्य रहे उन्होंने कभी राजनीति में, मैं नहीं कह रहा कि आपने प्रवेश किया है, लेकिन राजनीति में एक कम से कम दिलचस्पी है, राजनीति के बारे में कुछ बात है, राजनीति की एक समस्या का समाधान निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, पहले तो शंकराचार्य ने कभी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, जब अपना गुरुजी थे उस समय ही कि राम जन्मभूमि का ऊपर वो अली मियाँ नाम पर लखनऊ से, कानपुर से एक आदमी आया है, वही धर्म मुस्लिम धर्मों का धर्माचार्य थे अली मियाँ नाम पर, वही आकर के 2-3 बार अगर यही बात किया है, इसलिए कोई कमी नहीं. उन लोगों ने शुरू किया, हम विकास कर रहे हैं उतने ही. जब आप बात करते हैं मुसलमान नेताओं से इस बारे में तो आपको उनकी क्या प्रतिक्रिया मिलती है? आपको लगता है कि वो भी समाधान चाहते हैं? वो समाधान का है, लेकिन उन लोगों का मन में ज़्यादा, आपने कहा वैसे, दुख भी है ना, इसलिए समाधान चाहने भी, बाकी लोगों का समाधान करना, हम लोग तैयारी है बाकी लोगों का समाधान करना, ऐसे ऐसे बोल रहा है अपने मुस्लिम जनता का समाधान करना. लेकिन मुस्लिम जनता का समाधान करना ठीक नहीं है, उन लोग ऐसे बोलता है क्योंकि मुस्लिम समाज सामान्य रूप में ठीक है, जो कुछ नेता लोग हैं वही गड़बड़ कर रहा है.
लेकिन जो मुस्लिम आम है, आम आदमी है, मैं मानता हूँ कि नेता की अलग बात होती है और आम जनता की अलग बात होती है, लेकिन उसके दिल में भी ये बात तो है कि जिन नेताओं के होते होते सब कुछ हुआ, वो नेता तो आज शासन कर रहे हैं भारतवर्ष के ऊपर, उनके विरुद्ध जो केस हैं वो भी 12 साल से चल रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो एक दिल में रोष और गुस्सा तो होता है, उसका आप कैसे समाधान करते हैं? नहीं, वो राजनीति से, कोर्ट से कभी भी उसका समाधान मिलना मुश्किल है, कोई पक्ष में होने भी दोनों तरफ में फिर तकलीफ हो जाएगा, इसलिए समाधान रूप में बातचीत करके अंत में सरकार द्वारा वो कोर्ट में रखने से, वो आउट ऑफ द कोर्ट रख करके काम होने से, फिर कोर्ट में लगाने से वो समाधान मिल जाएगा। जब तक ये नहीं होता तब तक कोर्ट में समाधान मिलना मुश्किल, आउट ऑफ द कोर्ट निर्णय करके वो ही कोर्ट में रख करके उसका समाधान रूप में उनसे काम हो जाएगा, इसी के लिए प्रयास हो रहा है। और आपका प्रयास ये है कि अभी जो भी समाधान की बातचीत हो या जो भी समाधान निकले, आपका जो फॉर्मूला है, उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाया जाए? हाँ। दोनों पक्ष तो कोर्ट में ले जाए। दोनों पक्ष में नहीं, दोनों पक्ष समन्वय करके एक समाधान वहाँ आउट ऑफ द कोर्ट समाधान करके वहाँ देना। आपको कितनी आशा है, आपको लगता है कि दोनों पक्ष इस समय अपने हृदय से और अपने मस्तिष्क से, दिमाग से इस समय तैयार हैं इस बात के लिए? बहुत तैयारी है, बहुत लोग तैयारी है, कुछ लोग भयभीत है। कौन लोग भयभीत हैं? ऐसे ही मुसलमान लोग में कुछ लोग भयभीत है। स्वामी जी, भयभीत आप कह लें या वो कह लें कि जो लोग सोचते हैं कि हमारी राजनीति को इससे हानि होगी, वो तो मुसलमानों में नहीं, हिंदू में भी हैं। दोनों पक्ष में है, लेकिन हिंदू लोगों का राम जन्मभूमि राम आ जाएगा ऐसे विश्वास है, लेकिन वैसा मस्जिद आएगा ऐसे विश्वास नहीं, इसलिए भयभीत है। लेकिन देखिए, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद ने तो बहुत इसके ऊपर गुस्से से प्रतिक्रिया की है और काफ़ी नाराज़गी की बातें भी कही हैं, तो वो भी तो भयभीत हैं, या वो भयभीत हैं? उनका भयभीत नहीं, या उनको रोष है? उनका विश्व हिंदू परिषद का भयभीत नहीं, दूसरा वाला का मुस्लिम लोगों का भर्त्सन करता है, उन लोगों का भयभीत कराता है, मुस्लिम लोगों का भयभीत कराता है विश्व हिंदू परिषद, तो उनका भयभीत नहीं, मुस्लिम लोगों का भयभीत कराता है। नहीं, मुस्लिम लोग उनको भयभीत कराता है, विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम लोगों का भयभीत कराता है, मुस्लिम को भयभीत कराता है, लेकिन वो तो ठीक बात नहीं है। क्या करेंगे, उनका भी गुस्सा आता है, इनका भी गुस्सा आता है, दोनों पक्ष में गुस्सा होकर ऐसे ही बात होता है कुछ कुछ। लेकिन कई बार तो विश्व हिंदू परिषद आपसे भी गुस्सा दिखाते हैं। मेरा पास सब लोग आता है, मैं सूरज हूँ, सबका समान रूप में प्रकाश दे रहा हूँ, वैसे गुस्सा वाला, शांत वाला, राजनीति वाला, आम जनता सबका प्रसाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के लोग आके या आपके बारे में बोलते हैं कि आपका क्या इसमें लेना देना है, एक नेता ने तो ये भी कहा कि आप तो शेख वाइट हैं, आप राम जन्मभूमि के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो उससे आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं, उनका प्रजातंत्र है, सब लोगों का बोलने का अधिकार ही बोल रहा है, लेकिन काम कोई करेगा, हमें करना पड़ेगा, दूसरा वाला बोलेगा काम करेगा नहीं करेगा। आप जो समाधान ढूंढ रहे हैं, अगर इसको विश्व हिंदू परिषद ऐसे ही बोलती रहेगी तो समाधान तो नहीं माना जाएगा हिंदू समाज नहीं, में वो पक्का होने के बाद समाधान रूप में उन लोग ले जाएगा, स्वीकार करेगा। लेकिन क्यों विश्व हिंदू परिषद ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है? नहीं, उनका मन में तकलीफ है ना, इतना हो गया देश में ऐसी तकलीफ है ना, इसलिए उन लोग कर रहा है, आतंकवादी से, दूसरी से, मुसलमान पॉपुलेशन से और मदरसा स्कूल से, कई प्रकार से उन लोगों का मन में तकलीफ है, इसलिए वो बोल रहा है। हमारा वो चिंता नहीं है, हमारा समाधान ही है, हमारा लक्ष्य है। पर तकलीफ ये भी तो हो सकती है कि अगर आज हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल रहे हैं तो वोट सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी क्यों ले रही है, हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे वोट का ऊपर मैं नहीं काम कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो जो वीएचपी के लोग, वीएचपी का भी है, वोट का ऊपर नहीं है उनका, भी देश का ऊपर है, देश का ऊपर काम कुछ होना, इतना 50 साल होने के बाद भी कुछ भी स्वतंत्र नहीं है हमारा, ऐसे ऐसे उनका मत में तकलीफ है। लेकिन आप सोचते हैं कि जो एक तो बीजेपी की राय है और बीजेपी की नीति है और एक वीएचपी की राय है और उसकी नीति है, उसमें आप समझते हैं कि कौन ज़्यादा बुद्धिमत्ता से इस बात को ले रहा है? इसमें दोनों ठीक नहीं है ना, बीजेपी का वोट का अनुपात देख रहा है, विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा से देख रहा है, बीजेपी का आपने क्या बोला, वोट गाड़ी, वोट गाड़ी, इसलिए वो देख रहा है। ये वाला विश्व हिंदू परिषद वाला नाराज से, तकलीफ से बोल रहा है, दोनों ठीक नहीं, समाधान रूप में काम हो रहा। और कांग्रेस, कांग्रेस उनका राजनीति अलग है, वो कर रहा है। स्वामी जी, आपने एक बार कहा, आपने तो एक बार नरसिंह राव को बधाई दी, दिसंबर 6 को जो हो गया वो हो गया, 1992 को, उसका आपका क्या तात्पर्य था? आप ये तो नहीं कह सकते कि जो मस्जिद को तोड़ा वो अच्छा किया? नहीं, वो पकले पुजारी का झगड़ा है, और पुजारी झगड़ा होने के बाद
मुसलमान का मेरा का ऐसे झगड़ा हुआ है, वही अभी केस चल रहा है, उसके सामने ही अभी तालाब खुला है राजीव गांधी पीरियड समय पर, फिर उसके पश्चात नरसिंहरा का समय पर घिरा दिया तीव्रवादी लोगों ने, कुछ लोगों ने, और उसके पश्चात नरसिंहराव ने वहाँ छोटा स्थान रख करके वहाँ राम मंदिर का भी, राम का भी वहाँ बिठा दिया, उन्होंने नहीं बिठा दिया लेकिन उन्हीं का पीरियड में कुछ लोगों ने बिठा दिया, उसके पश्चात ही ये अटूट रूप में 12 साल से काम हो रहा है। यहाँ बिठा दिया भगवान का, वही नहीं हटा सकता है, कोर्ट में होने भी कोई भी होने भी नहीं हटा सकता है, इसलिए वहाँ बड़ा महल होना या छोटा भगवान होना इतना ही फर्क है आजकल। मतलब मंदिर तो बन गया है, अब बड़ा मंदिर बनाने की बात है सर। बड़ा मंदिर बनाना नहीं, बनाना भगवान का संकल्प है, लेकिन उसके लिए प्रयास अभी हो रहा है। स्वामी जी, वो जो मस्जिद गिराया गया उस समय वो तो ठीक नहीं किया ना? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, सब लोगों ने रोया है, मेरा भी रोया है, नासिक राव ने रोया है, सारी संसार में रोया है। आपका 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 हृदय भी रोया उस समय? उस समय मैं भी रोया हूँ, पेपर में कहा हूँ कि तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं होना, कुछ लोगों थी लोगों ने किया है, हो गया हो गया। फिर उसके आगे क्या हुआ है, बाबर या राम ऐसे प्रश्न किया पत्रकार लोगों ने, अभी ऐसी बात नहीं है, राम जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा इतनी ही होता है, इसलिए उसका फर्क हुआ है। यदि स्वामी जी, एक बात तो है कि आप धर्म को कितना भी माने और कितने भी धार्मिक हो, भगवान को माने या भगवान को किसी भी विधि से या किसी भी तरीके से माने, लेकिन कानून की और विधि की इज्जत और पालन तो आपको करना चाहिए ना। जरूर करना। आप कानून तोड़ के तो आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो कानून का भगवान का संबंध नहीं है, कानून का मर्यादा देना, काम भगवान का ऊपर जाना। तो जिन लोगों ने वो तोड़ा 1992 में, उनको आप सोचते रहे कि नहीं तोड़ना, ऐसे कानून कोई नहीं है, उनको नहीं तोड़ना, ऐसे नहीं तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ने के लिए कानून कोई नहीं है, कोई अपना जोर से किया है उतनी ही। लेकिन जिसने तोड़ा उसको सजा, कोई दंड नहीं मिलना चाहिए? नहीं, दंड मिलना है, वो काम कोर्ट कर रहा है, वो कोर्ट कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, और वो काम चलता रहेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी ना हो, कानून के सामने सब लोग समान है, सब लोग समान है।